तो चलिए हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? ये 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है हमारा, हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, उस भार समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा था? दीन बंधु मित्रा ने 1860 में यूरोपीय नील खेती के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतीहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि इतने समय से करोड़ों लोग भूखे और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से उड़ पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया, तो यह स्वामी विवेकानंद जी। अगला है, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ए वी रामास्वामी नायर नायकर। अगला है, गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी? तो 1872 में ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन है, तमिल पत्रिका कुड़ी अरासु की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए वी रामास्वामी नायकर द्वारा। अगला है, महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार लोकहितवादी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया गया था? आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है, लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। अगला है, 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? तो यह फिरोज शाह मेहता का एक कथन था। यह कथन किसका था कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाए? ये था एम जी रनाडे का। अगला है, पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? ऑपरेशन जीरो आवर। अगला है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला, कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ और 1832 तक चला? यह कोल विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्ध नग्न फकीर है? तो यह था विंस्टन चर्चिल ने। अगला है, सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, 1920 में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया? स्वामी सिद्धानंद के नेतृत्व में। अगला है, शरत चंद चटर्जी किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया? पाथेर दावी। अगला है, 1931 में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एम एन जोशी, बीबी गिरी तथा मिडाल क्रांति बोस। अगला है क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए?
1887 से। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। अगला है, भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। अगला है, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था, यह उक्त किस इतिहास की है? अशोक मेहता की। अगला है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। अगला है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों का विलय। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। यह कथन किसका था कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? अरविंद घोष का। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? यह था कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेहरू मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? दादाभाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, तिलक के देहावसान के बाद अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, नायक विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? मणिपुर की। अगला है, कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। अगला है, दांडी जहाँ महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में? भुज जनपद में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? केसर ए हिंद की उपाधि। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? वर्धा अधिवेशन में 1942 में। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। अगला है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला है, 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? विपिन चंद पाल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? नलगोंडा से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? नहीं। अगला है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? तो यह उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। अगला है, भारत के
स्वतंत्र प्राप्ति के बाद पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। अगला है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट की। अगला है, चंपारण संघर्ष में किस नेताओं ने प्रमुख महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती माना जाता है पूर्वी बंगाल में। अगला है, किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? यह था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। अगला क्वेश्चन है, प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? ये थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां और मजहर उल हक ने।